बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लच्छा पराठा रेसिपी। इसका कलर और लच्छे दोनों ही देखिए कितने परफेक्ट बने हैं। आइए आइए इन्हें टेस्ट करके बताऊँ। ओ यम्मी यम्मी यम्मी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अपने किचन की तरफ। मैंने ले लिया एक बड़ा बाउल, एक कप मैदा। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, पर जो परफेक्शन एक मैदे से आता है वो नहीं आ पाएगा, पर ये मैदे से ही आएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे एक चम्मच नमक। के बाद हम इस पूरे आटे को बहुत अच्छे से मिला लेंगे ताकि नमक पूरा मिल जाए। फिर हम डालेंगे इसमें दो बड़ा चम्मच घी। घी के बाद अब हम इसको मिला लेंगे, बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें आधा मग दूध, और दूध डाल के धीरे धीरे साइमल्टेनियसली डालेंगे हम, ग्रेजुअली इसको मिलाते हुए अपना एक अच्छा सा डो बना लेंगे। इसी तरह धीरे धीरे डो बनाते हुए हम ये आटा गूंद लेंगे, सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। हमारा आटा जितना सॉफ्ट होगा हमारा लच्छा पराठा उतना ही अच्छा क्रिस्पी और तय वाला बनेगा। आप देख सकते हैं किस तरह इसको धीरे धीरे दूध डाल कर गूंद रही हूँ। इसी तरह आपको भी गूंद रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप अगर ये काम करेंगे तो आप ज़रूर मेरी तरह, इसी तरह जिस तरह मेरे लच्छे हैं, आप इसी तरह लच्छे बना सकते हैं ये आटा गूंद कर। मेरा आटा लगभग तैयार है। मैं इसको थोड़ी सी देर, थोड़ा सा घी लगाकर इसको रेस्ट के लिए रखूँगी। देखिए आप देख सकते हैं ये डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और गूंदते हुए मैं इस पर घी से ग्रीसिंग कर इसको थोड़ी सी देर रेस्ट के लिए रखूँगी। थोड़ी देर ग्रीसिंग करके बस इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इसको मैं ढक कर रख दूँगी, मैंने ढक दिया है इसको। अब मैं इसको 10 मिनट रेस्ट दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं मेरा डो कितना सॉफ्ट है, उंगली से मैं देख रही हूँ सर। देखिए फिर से इसको मिलाते हुए चलाएंगे। अब मैं इसकी लोइयां तोड़ लूंगी। देखिए इस तरह करते हुए अपने बोर्ड पर देखिए, विद द हेल्प ऑफ नाइफ मैं इसको कट कर लूंगी। जितने भी मेरे पीसेस बनेंगे इसके, ये मेरे 4 पीसेस बन रहे हैं, मैंने 4 में कट कर लिया। छोटा वाला मैं इस थोड़े वाले में ऐड कर दूंगी। ये 4 पराठों का बन गया है, तैयार हो गया है। इसी फ्लैट सरफेस पर मैं डस्ट करूंगी, और इसी पर इनको अपने रोल पैड की हेल्प से इनको रोल करूंगी। बड़ा बड़ा एकदम पतला पतला थिन रोल करना है इसको, बिल्कुल पतला, जितना भी आप कर सकते हैं उतना पतला इसको बेलना है। जितना भी बड़ी आप लेंथ इसको दे सकते हैं, उतनी बड़ी लेंथ नहीं। देखिए आप देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी लेंथ दी है इसको। ये देखिए जितना भी थिन आप कर सकते हैं उतना थिन इसे कीजिए। आपके पराठे उतनी है, मैं इसको ग्रेस कर रही हूँ। ग्रीस करते हुए मैं घी से इसको ग्रीस कर रही हूँ। मैदा डस्ट करेंगे थोड़ी सी, बस इसकी तय बनानी शुरू करेंगे धीरे धीरे। इस देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। हमारी यही तय बिल्कुल बनती चली जाएगी। अब हम इसको बिल्कुल इस तय देखिए इस सेम लाइक दैट आपको करना है। आप इसी तरह करते हुए इसको उंगली पर लपेटेंगे ताकि हमारे लच्छे और भी ज़्यादा
इस पे लच्छे पड़ जाएं, इस तरह करने से हमारे और ज़्यादा लच्छे पड़ेंगे। इस तरह आपको चारों अपने पेड़ों को इसी तरह करना है, गोल बाउल बोल जो है हमारी बिल्कुल इसी तरह करके रखने हैं हमें चारों को। ये एक और पैटर्न देखिए आप, मैंने निकाला है इसका कटिंग के थ्रू। अब मैं इसको काट कर बनाऊंगी इस वाले को, इसमें और उसमें कंपैरिजन। अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, सब पीसेस को काट कर इस पर कट लगा कर इस पर ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करके फिर मैं इस पर मैदा डस्ट करूँगी। अब मैं मैदा डस्ट करूँगी इस पर, थोड़ा सा मैंने कर दी मैदा डस्ट। और अब चाकू की हेल्प से मैं इसको फ्लिप उठाऊंगी। ये देखिए मैंने पूरा उठा लिया, इसको रोल कर लेंगे। इसको रोल करके सेम उसी पैटर्न से अपनी उंगली पर लपेट लेंगे जी, इस तरह। देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह आपको करना है, ताकि आपके लच्छे बिल्कुल परफेक्टली बने। एक बार इस तरह भी करें जिस तरह मैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जिस तरह मैं कर रही हूँ, ये गोल गोल कर। ये जितने भी स्टेप हैं आप अगर इसी तरह करेंगे तो आपके अच्छे परांठे बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। ये देखिए एक बार और कर दिखा रही हूँ मैं आपको, इससे हमारी परतें और भी इंक्रीज होंगी। अब मैं फिर इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी, फिर से 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। अब मैं अपनी फ्लैट को ग्रीस करूँगी, अपनी प्लेटफॉर्म को जिस पर मुझे ये रोल ऑन करने हैं अपने परांठे, इस पर थोड़ी सी ग्रीसिंग करके मैं इसको बढ़ाऊंगी इस तरह। देखो हेल्प किया, मगर रोलर से करेंगे तो इसके सारे लच्छे ख़राब हो जाएंगे, हम हाथ से करेंगे तो इसके लच्छे ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह आपको जितने भी आपके पराठे बनते हैं वो तवे पर घी डालेंगे और इसी पर हम सेकेंगे पराठों को। आप जो भी चाहें उसको डाल सकते हैं, रिफाइंड में डाल सकते हैं, मैं घी में सेक रही हूँ, क्रिस्पी और अच्छे होंगे। अब देखिए मैंने डाल दिया पराठा, अब हम धीरे धीरे इसको घुमाते हुए सेकते हुए पलट कर सेकेंगे अपना पिंकिश, पलटते सेकेंगे। देखिए आप इस तरह जिस तरह मैं घुमा रही हूँ, देखिए हमारा कलर कितना प्यारा टेक्स्चर आया है इसका, कितना प्यारा गोल्डन कलर। इसी तरह की धीरे धीरे घुमाते हुए आपको सेकना है। ये देखिए इस तरह एक बार घुमाएंगे एक बार दबाएंगे। देखिए इस तरह गोल गोल घुमाएंगे, तुम्हारे पिंक 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 सा ही बनेगा। बहुत लो फ्लेम पर बनाना है आपने इसको, ये दबाते हुए तक इसकी जो किनारे हैं वो भी बहुत अच्छे से सिक जाए, और अंदर से भी बहुत अच्छे से सिक जाए। देख सकते हैं आप कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, एकदम गोल्डन गोल्डन सा। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी, और हमारी लेयर्स एक एक लेयर खुल रही है हमारी। देखिए हमारा ये पराठा तैयार हो गया है। अब मैं लच्छा पराठा आप देख सकते हैं, देखिए मैं इसको खोल कर दिखा रही हूँ। देखिए आप कितनी हमारी परतें आई हैं, यम्मी एंड ऑसम। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पराठा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।